नमस्कार। कुछ और प्रोग्राम लेकर आए आपके लिए। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका प्रोग्राम आपको बनाना है और इसका प्रोग्राम हम टीआर पोर्टल पे बनाएंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ऑयल पंप मोटर दिया हुआ है, एक मेन मोटर, और ऑयल पंप मोटर में दो बटन है आपकी, कुछ बटन, एक स्टार्ट बटन है और एक आपकी स्टॉप बटन। ऐसे ही आपका मेन मोटर में भी एक स्टार्ट बटन है और एक स्टॉप बटन है। तो जो हम यहाँ पर लॉजिक लगाने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन है कि पहले आपके ऑयल पंप मोटर स्टार्ट हो और उसके बाद जो आपकी मेन मोटर है वो स्टार्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोग्राम बनाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टीआर पोर्टल। पहले हम टीआर पोर्टल की बात करेंगे। यहाँ पर हमने टीआर पोर्टल ओपन कर लिया है और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मेन मोटर लिख देते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल अपना मेन मोटर, और यहाँ पर हमने इसको क्रिएट किया। ये यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइस है जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह दी गई है। यहाँ पर हम पहले से कुछ टैग डिफाइन भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्रोग्राम ब्लॉक में भी जाकर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर टैग डिफाइन कर लेता हूँ और एड न्यू टैग टेबल, टैग टेबल। तो हमारे पास दो मोटर हैं और दो मोटर में दो दो आपकी बटन है, मतलब एक स्टार्ट करेगा और एक स्टॉप बटन है, और दूसरी मोटर में भी एक स्टार्ट है और एक स्टॉप बटन है। तो सबसे पहले यहाँ कर देते हैं ऑयल, ऑयल स्टार्ट, या आप चाहे तो केवल यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट ऑयल, ये हो गया आपका स्टॉप ऑयल, ये हो जाएगा आपका दूसरी, एक और हमने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट मेन मोटर, और इसको हमने कर दिया स्टॉप मेन मोटर। हमारे पास एक आउटपुट में आउटपुट ऑयल मोटर और दूसरा आउटपुट है आपका आउटपुट मेन मोटर। यहाँ पर हम एड्रेसिंग चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक है, आपके आउटपुट है आउटपुट 0 Q 1 इज द मेन मोटर है आपका। चलिए यहाँ पर हमने टैग डिफाइन कर दिया है, अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम ब्लॉक, मेन ब्लॉक पे क्लिक किया।
यहाँ पर आपको प्रोग्राम बनाना था कि पहले आपकी जो आपकी ऑयल मोटर है वो आपकी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट बटन देंगे, एक स्टार्ट बटन दिया हुआ, एक हम एनसीबी ले लेते हैं स्टॉप बटन की। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले जो स्टार्ट है ये हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑयल, ठीक है, और इसको हमने कर दिया स्टॉप ऑयल। यहाँ पर हमारे ये ऑयल मोटर है, आउटपुट ऑयल मोटर, ठीक है। अब ये कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी, तो यहाँ पर हम एक एनसी लगा देंगे आउटपुट का, यहाँ पर बंद कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे मेन मोटर। मेन मोटर की जो स्टार्ट है, स्टार्ट मेन मोटर और स्टॉप मेन मोटर, यहाँ पर आपका आउटपुट मेन मोटर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए आउटपुट का। अभी हमारा प्रोग्राम बन चुका है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हमारा जो आउटपुट ऑयल आउटपुट है, ठीक है, वो हमारा चलना चाहिए और उसके बाद ही हमारा मेन जो मोटर, हमारी जो मेन मोटर है वो चल। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद कहीं कुछ ऐड करना होगा तो हम देखेंगे लॉजिक लगाकर। यहाँ पर सबसे पहले हमने कंपाइल किया हुआ, स्टार्ट सिमुलेशन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है यहाँ पर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें प्रोसेसिंग में। चलिए अब यहाँ पर सिम टेबल है,
इसमें हम चेक करते हैं अपन, ये अभी स्कैनिंग प्रोसेस चल रही है, स्कैनिंग इंटरफेस। यहाँ पर कंपाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, देखिए यहाँ पर नीचे शो भी हो रहा कंपाइलिंग फिनिश है, यहाँ पर कनेक्टेड टू पीएलसी, तो जो हमारी सिमुलेशन का पीएलसी सी में, ये हमारे पीएलसी से कनेक्ट हो चुका है। इसका क्लिक करिए यहाँ पर और सिम टेबल यहाँ पर लोड करिए। लोड करने पर जो भी हमने टैग डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में, सारे टैग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आप मॉनिटर पे क्लिक करिए, मॉनिटर करेंगे मॉनिटर की, और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सारे ग्रीन सिग्नल हो चुके हैं, इसका मतलब है प्रोग्राम हमारा अभी सही है। ठीक है, मतलब ये जो हमने टैग डिफाइन किए हुए हैं वो सही है, प्रोग्राम सही है, ये तो हम रन करके चेक कर पाएंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, और जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमारी ये जो ऑयल मोटर है ये हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ऑयल मोटर स्टार्ट होने के बाद ही हमारा क्या है, मेन मोटर स्टार्ट होनी चाहिए। तो मेन मोटर अभी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको हम यहाँ पर जीरो कर देते हैं, जीरो करके चेक करते हैं। लैच हमने कर रखा है इसलिए अभी भी हमारी मेन मोटर जो ऑयल मोटर है वो हमारी स्टार्ट है, और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं मेन मोटर को, अगर हम स्टार्ट करें तो मेन मोटर तो हमारी स्टार्ट रहे। अभी भी हमारी मेन मोटर मीन्स ऑयल मोटर भी स्टार्ट है और मेन मोटर भी स्टार्ट है, बट प्रोग्राम क्या है हम यहाँ पर देखें तो मेन प्रोग्राम हमारा क्या है कि जो हमारी ऑयल मोटर है, ऑयल मोटर के बाद ही हमारी मेन मोटर स्टार्ट होनी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बाद का मतलब जैसे ही हमारी ऑयल पंप मोटर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो ऑयल पंप मोटर है वो स्टार्ट हो जाए, तुरंत ही आपकी मेन मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए अब हमको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मॉनिटर ऑफ कर देंगे, और मॉनिटर ऑफ करने के बाद जो ये हमारा आउटपुट है मीन्स ऑयल पंप मोटर का आउटपुट है, अगर हम इसका एनसी यहाँ पर लगाते, सॉरी एनओ अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो जैसे ही हमारा ये स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारी ऑयल पंप मोटर स्टार्ट होगी, मतलब ये भी आपका हाई हो जाएगा, ये हाई होगा तो आपकी मोटर भी आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देंगे यहाँ पर आउटपुट, इसका आउटपुट ऑयल पंप का आउटपुट, और ये हमने यहाँ पर इसको सेव करेंगे, सेव प्रोजेक्ट, इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद डाउनलोड, ये यहाँ पर डाउनलोडिंग हो गई है। अब इसको अभी हम देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टार्ट बटन ऑन कर रखा था तो इसको भी हम जीरो कर देते हैं, जीरो हो गए, मॉनिटर ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अभी हमने क्या है इसको ऑन कर रखा था, आउटपुट हमारे ऑन थे, इसको हम जीरो जीरो कर देते हैं, ये जीरो है। सबसे पहले हम ये जो हमारी स्टार्ट मोटर इसको हम एनसी कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं दोनों, ठीक है, ये स्टॉप कर दिया, कुछ मिस्टेक लग रही है, एक्चुअली क्या है वो हाई रह गए थे इसलिए यहाँ पर ये हाई दिख रहे थे, अभी तक मैंने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी। आपकी स्टार्ट है, अभी ये यहाँ पर फॉल्स है, मतलब हाई नहीं है। यहाँ पर स्टॉप मतलब एनसी लगा हुआ है, हमने एनसी लगा रखा है, स्टार्ट यहाँ पर एनओ है, ये आपका स्टॉप, ये भी आपका एनसी है, तो यहाँ पर भी ये क्या होना चाहिए आपका ट्रू होना चाहिए, स्टॉप का है तो यहाँ पर ये अभी आपका ट्रू रहेगा, तो ये अब कंडीशन सही होगी। अब यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं, तो मॉनिटर ऑफ करके देख लिया था हमने, अब मॉनिटर फिर से ऑन करते हैं, और यहाँ पर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टार्ट बटन जो हमारा ऑयल पंप है तो हमने हाई किया, और जैसे ही हमने हाई किया यहाँ पर
ये कुछ सिमुलेशन की प्रॉब्लम है। आई थिंक प्रोग्राम तो हमारा सही है, फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मॉनिटर को ऑफ करेंगे और पीएलसी सिम को भी इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक तो हमने यहाँ पर क्लोज किया, क्लोज करके फिर से हम यहाँ पर इस कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। एक्चुअली क्या हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया था, तो चेंज करने के बाद ये प्रॉपर यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आई। ये अगर हम हार्डवेयर से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में ये देखिए यहाँ पर प्रोफिनेट से हमने पीसी को पीएलसी से कनेक्ट कर रखा है। और ये आपका लोडिंग हो गई, लोड फिनिश। न्यू करेंगे ये लोड करिए, लोड किया अभी देखिए यहाँ पर सारी चीज है। अभी हम यहाँ पर मॉनिटर ऑन करेंगे, स्टार्ट करिए। तो स्टार्ट किया और जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर मोटर आपकी हाई हो गई। जैसे ही आप यहाँ पर इसको अगर आप ऑन ऑफ करें कर दिया और हमने स्टार्ट किया तो ये भी आपके यहाँ पर अभी आपकी मोटर यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। मीन्स पहले आपके ऑयल पंप मोटर आपकी चल रही है, उसके बाद हमारी ये मेन मोटर स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर क्लियर है सभी को? तो और भी प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके लिए, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। धन्यवाद।